ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଆଜି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବେ। ଏନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସକାଳେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏଆଇସିସି ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର 25ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଇଡି ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏର ଅପରାଧିକ ଧାରା ଅଧୀନରେ ରାହୁଲଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସମନ ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଇଡିରେ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ପବନ ବଂଶଲଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଇଡି ରେକର୍ଡ କରିସାରିଛି। कि मालिक 1937 में भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड थी और आज 13 जून 2022 को भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है। नेशनल हेरल्ड की संपत्ति का एक इंच न किसी को बेचा गया ना दिया गया। चाहिए अपराध है, अगर ये अपराध है तो ये करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी, आप और आपका इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जानते हैं कि नेशनल हेरल्ड और यंग इंडियन की एक खोटी चवन्नी भी ना कांग्रेस पार्टी ने, ना हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने, ना हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने, कांग्रेस के किसी नेता या कार्यकर्ता ने आज तक नहीं ली। और ने ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी से आप तनख्वाह, डिविडेंड या किसी प्रकार की राशि ले सकते। यहां तक कि आप तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का शेयर भी नहीं बेच सकते, चाहे तो भी वो केवल और केवल दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ही दिया जा सकता है। सूर्यवाला प्रतिक्रिया सुनते नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामलें वर्तमान कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रवर्तन निर्देशालय सम्मुखें हाजर हे। एने नूआदिल्ली में बासभवन आगे सुरक्षा को कड़ाकड़ी कर दृश्य भी देखिपे। सकाले किसी कांग्रेस कर्मी एआईसीसी आगे धारणा देता बेले पुलिस सेमानक अटक रखी। देशव्यापी प्रवर्तन निर्देशालय 25टी कार्यालय सम्मुखें कांग्रेस कर्मी विरोध प्रदर्शन करेंगे। तेज कांग्रेस अड़ुआ बढ़ी पाए कारण जमी राहुल गांधी वर्तमान आज हाजर हे और ईडी पीएमएलए रो अपराधिक धारा अधीन राहुल को बयान रेकर्ड करने चाहिए। राहुल गांधी को मिथ्या मामलें फसाई दी जाता कांग्रेस कहती तेज मामलें कांग्रेस सभापति सोनिया गांधी को नुआ समन जारी हो संपर्क आउ कि प्रतिक्रिया आसुच्छी देखो उन्होंने कार्यकर्ता कट्ठे होने की इजाजत नहीं है। ये दमनकारी नीतियां ने अज वो समा आ गया है कि सारे देश नूं इकट्ठे होना पैना है। और राहुल गांधी जी जिहड़े कि इहनूं लीड कर रहे, तुसीं देखो कोई भी होर लीडर इन्ना मतलब ओपनली उन्हां दी पॉलिसीज नूं, उन्हां दे जिहड़े वे ऑफ तरीका जिहड़ा सरकार दा है उहनूं कंडेम करन वास्ते कोई भी लीडर होर नहीं आ रहा सिवाय राहुल गांधी जी तों। और हुण वो डरे हुए ने, उन्हां नूं बाकी सानूं राहुल जी नूं हत्थ पा के बाकी देश नूं डराउणा चाहुंदे ने, पर सानू कोई परवाह नहीं। तुसीं जो पुछना राहुल जी जवाब देणगे और असीं उन्हां दे नाल जिथों तक भी लीड करन जाण दित्ता गया जां नहीं भी जाण देणगे तां भी असीं जावांगे। ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କାଲି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତ ଅଡୁଆରେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ଇଡି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡିର ସମନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା 23 ତାରିଖ ଦିନ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଏବଂ ପବନ ବଂଶଲଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଛି। ଏଠି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ। ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ତେବେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା। नेताओं के घर पे पुलिस बैठाई गई थी, आप लोगों को लगातार यहाँ पे आने में दिक्कतें हो रही हैं, रोका गया? हाँ, तो मैंने कहा ना कि जब जब भाजपा और मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग, क्या रणनीति रहेगी? जनता की लड़ाई लड़ेंगे। किस तरह से रणनीति क्या होगी उसकी? रणनीति यही है कि उसको उजागर करने के लिए सड़क पर, सदन में, अदालत में, सब जगह लड़ेंगे। आज एक तरह से जो एजेंसी के सामने राहुल गांधी पेश हो रहे हैं, आप लोग लगातार उसका विरोध करते रहे कि काफी पुराना केस है, लगता है कि ये जो केस है ही नहीं,
कहाँ केस है, कोई FIR है क्या? ये ED केस तो मोदी सरकार ने 2014 में चालू किया और उन्हीं की सरकार ने बिना कोई प्रमाण मिले उसे समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिग्विजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सर ये सवाल होगा सबसे पहले मेरा कि ये लड़ाई किसके बीच है? आप खबर आपण सुनते दिग्विजय सिंह प्रतिक्रिया सुनते तेज गत काली बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र कौन कही नेशनल हेराल्ड मामला प्रकृत में कौन और कांग्रेस कौन पाई अड़ुआ पड़ुछ से प्रतिक्रिया आसतु शुणीदे। जानते हैं कि जहां तक गांधी परिवार का विषय है, जिसको कांग्रेस प्रथम परिवार के रूप से द फर्स्ट फैमिली के नाम से आगे बढ़ाती है, वो किस प्रकार से भ्रष्ट है, हाउ करप्ट दे आर, और किस प्रकार से भ्रष्टाचार को वो प्रतिपादित करते हैं, इससे आज भारतवर्ष अवगत है, पूर्णतः अवगत है। और अगर स्कैम्स के विषय में कोई पुस्तिका लिखी जाए, इफ यू राइट अ बुक ऑन करप्शन, नेशनल हेराल्ड केस इज गोइंग टू फाइंड इट्स वे इनटू दिस बुक इन अ बिग वे। जो नेशनल हेराल्ड का केस गांधी परिवार पे चला है और जिस केस को लेकर आज गांधी परिवार बेल पे बाहर है, उस केस का एक बहुत बड़ा असर हिंदुस्तान की जनता के मन के ऊपर रहा है कि एक परिवार कितना करप्ट और कितना भ्रष्ट हो सकता है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है, दोनों ही बेल पे बाहर हैं और दोनों को ही ईडी ने समन किया है। सोनिया जी बीमार होने के कारण से वो ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाई और ये खबर मीडिया ने दिखाया है। कल राहुल गांधी ईडी के सामने प्रस्तुत होने का तारीख है, प्रस्तुत होते हैं नहीं होते हैं वो कल बताएगा। किंतु आश्चर्य का विषय है, नेशनल हेराल्ड को लेकर जिस प्रकार से एक नाटक नौटंकी करने का काम कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार कर रही है, कहीं ना कहीं ये उनके चोरी को साफ रूप से बता रहा है। ये दर्शा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गांधी परिवार छुपाना चाहती है। वरना ऐसा क्या है जो ईडी के सामने प्रस्तुत होने से पहले अपने सारे सांसदों को दिल्ली बुलाया जा रहा है? आपण शुणुले कि भावना बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र अभियोग आणुंट जदि कांग्रेस कथा कहवा निवे नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस वर्तमान ईडी अड़ुआ निहाती भाव में अधिक आलोचना गगन विश्वाल जोड़े सारी आम नूआदिल्ली प्रतिनिधि। गगन जदि देखा जे कांग्रेस निहाती भाव में चिंतार थी, खास करके ईडी अड़ुआ वर्तमान और नेशनल हेराल्ड ये ना शुणिले बोधहुए कांग्रेस टिके डरी जा। देखन्तु कमलाकांत, ये बहुत पुराना प्रसंग, ए प्रसंग रे ऑलरेडी मल्लिकार्जुन खड़गे जे कि यंग इंडिया रो सीईओ रहिछंती, जहां बैनर रे नेशनल हेराल्ड सेतेबेले प्रिंट होतला, से निश्चित भाबे ए कोना कोठी गांधी परिवार रो बा कांग्रेस नेतांकर एथिरे लिंक अछि। ई चित्र पूर्वरु स्पष्ट होइछि आज नुए। कथा होछि जोगता समित पात्र कहुथले जे से प्रसंग रे ऑलरेडी राहुल गांधी कोन्तु सोनिया गांधी कोन्तु से माने ऑलरेडी जमीन नैछंती, कोर्ट रो जमीन नहीं कि से मान रही चंती, तो पूरी पुणी जत ईडी कोची नुआ खियो पाई थी, नो डाउट, कहीं पूर्व मल्लिकार्जुन खड़गे कथा कहतु, पवन बंसल कथा कहतु, अनेक नेता जेहेतु जेरा करा जाइछि, हुए तो किसी नुआ खियो ईडी पाई जहाँ फल से पुणी थे समन हो समन है कि वर्तमान पचराउचरा करने कहुची। तेरे एटी भय कर आवश्यक ना राहुल गांधी को, सी निजे जाकि गोटे क्लारीटी रखी था ईडी गणमाध्यम रखी था प्रसंग में मतलब डकला मुमी भाव या सामना कली, हूं तो मेसेज भिन्न जाता जो भाव में कांग्रेस कर्मी दिल्ली आसी, राजस्थान कहु, हरियाणा कहु, उत्तर प्रदेश कहु, अनेक राज्य लीडर मैंने दिल्ली आसग्रह करने गोटे प्लानिंग जाता बर्तमान जेहतु दिल्ली पुलिस परमिशन दे नाला, तेणु अनेक कांग्रेस कर्मी बर्तमान अटक रही थाना। किस समय पूर्व रणदीप सुरजेवाला प्रेस मिट करी सरकार को गोटे कौना कौटी भर्सना करते सुरक्षा दृष्टि आज देखिए दिल्ली में गोटे जाम परिस्थिति सृष्टि कहीं अनेक रास्ता को वर्तमान कांग्रेस कर्मी मैंने बंद कर दे, ट्राफिक अनेक डाइवर्ट करा पड़ी, तेणु लोकंकर असंतोष बढ़ुच्च कमलाकांत या को नहीं कि जो साधारण जनता रही हुए तो यदि गोटे डिसिप्लिन वे रे सेमाने स्टेप नहीं था हुए तो लोक यहाँ स्वागत करते। बर्तमान देखिए राष्ट्रपति निर्वाचन गोटे प्रकार आसंता काली
दुई दिन पर नामांकन पत्र दाखल करने नोटिफिकेशन आसो गोटे डेट डिक्लेयर हो सारा आगुक दुईट राज्य विधानसभा अच्छी 2024 रे साधारण इलेक्शन अच्छी तेणु ये समय जिते कांग्रेस दुई टॉप नेता अंतरण निर्देश होती सोनिया गांधी समय हूं तो कांग्रेस निजर छवि खराब हाँ किभली भाव में सुधरा जीव से कथा निहाती भाव में कांग्रेस भी बड़ चैलेंज हम बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल होते आम नुआ दिल्ली प्रतिनिधि।